श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद जेबीए बीएड कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम टीवाईबीए में मेला आंचल उपन्यास रेणुजय के जीवन कवन के बारे में अभ्यास कल किया था। आज हम मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुने मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है। डॉक्टर दिनेश राठौर और सहायक अध्यापक और राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वंथली। इसके बाद आगे देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मेला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में रेणु ने बाहर बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को चुना है, जो कि नेपाल, पूर्व पाकिस्तान, संभवतः आज का बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा उत्तर पूर्वी बिहार का एक पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। उपन्यास की कथा वस्तु कुल मिलाकर दो खंडों में विभाजित है। कोई एक प्रमुख या आधिकारिक कथा इसमें ना के बराबर है, ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक घटना के पश्चात दूसरी घटना घटित होकर विलीन हो जाती है और तीसरी शुरू हो जाती है। शायद उस जनपद या क्षेत्र की समग्रता को उजागर करने हेतु रचनाकार ने कथावस्तु का ऐसा गठन किया है, लिहाजा स्वयं उन्होंने उपन्यास की भूमिका में लिखा है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। दरअसल घटनाएं एक अंचल या क्षेत्र विशेष में घटित होती है, लेकिन ये समस्त भारतवर्ष के ग्रामीण परिवेश की परिचायक होने का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ रेणु जी ने, फणीश्वरनाथ रेणु ने मेला आंचल उपन्यास में एक आंचलिक उपन्यास की ऐसी बात की है, पृष्ठभूमि भी बताई है कि वो रेणु एक बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को चुना था। इसके ऊपर उन्होंने कई उपन्यास ही लिखे हैं, जो कि नेपाल, पूर्व पाकिस्तान यानी के आज का बांग्लादेश माना जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा उत्तर पूर्वी बिहार का एक पिछड़ा ग्रामीण विस्तार को यहाँ लिया गया है। उपन्यास के कथावस्तु कुल मिलाकर दो खंडों में उन्होंने विभाजित की है। कोई एक प्रमुख या आधिकारिक कथा इसमें ना के बराबर है, ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो एक घटना के पश्चात दूसरी घटना घटित होकर इसमें विलीन हो जाती है और दूसरी या तीसरी शुरू हो जाती है, इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद उस जनपद या क्षेत्र की समग्रता को उजागर करने हेतु रचनाकार ने कथावस्तु का ऐसा गठन किया है, लिहाजा स्वयं उन्होंने उपन्यास की भूमिका में भी लिखा है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, ऐसा भी बताया है रेणु जी ने, और धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यहाँ घटना में अचल या क्षेत्र विशेष में घटित भी होती है, लेकिन यहाँ समस्त भारतवर्ष के जो ग्रामीण परिवेश को यहाँ बताया है, इसका पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं। मेला आंचल के कथानक में उपन्यास ने सन 1942 ईस्वी सन से लेकर गांधी जी के निधन तक के मेरीगंज के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। और प्रस्तुत उपन्यास यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात प्रकाशित हुआ, लेकिन अधिकतर इसमें स्वतंत्रता के पूर्व का परिवेश प्रस्तुत किया गया है। बहुत वर्ष पहले नील साहब मार्टिन जब यहाँ आकर बसे थे, तब उन्होंने अपनी नव विवाहित पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज रख दिया था। गांव का पुराना नाम किसी को मालूम नहीं, क्योंकि एक बार किसी किसान के मुंह से इसका पुराना नाम निकल जाने पर मार्टिन साहब ने उसे कोड़ों से पिटवाया था। तब से किसी ने वह नाम लेने का साहस नहीं किया। मेरी के यहाँ आकर बसने के एक
बसने के एक सप्ताह के बाद ही उसे मलेरिया बुखार ने धर दबोचा था और इलाज की सुविधा के अभाव में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद मार्टिन साहब ने मेरीगंज में एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। अतः उन्हें अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि एक वर्ष में वहां डिस्पेंसरी खुल जाएगी, लेकिन इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कोयले से नील बनाने की विधि सफल हो गई और एक ही चुटकी में नील युग के अंत के साथ साथ नीलहे साहब मार्टिन भी उजड़ने लगे। इस दोहरे दुख से वह पागल हो गए। उन्होंने पागलखाने में भर्ती किया गया और वही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ रेणु जी ने मिलाचल उपन्यास और कथानक में जो बात की है, तो गांधी जी के निधन तक जो मेरीगंज के जनजीवन और परिस्थितियों का जो जीवन का यहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है, तो प्रस्तुत उपन्यास में यानी कि ये मेला अचल उपन्यास में एक स्वतंत्रता के पूर्व का इसमें परिवेश प्रस्तुत किया है। बहुत वर्ष पहले जब नील साहब मार्टिन यहाँ आकर बसे थे, तब उन्होंने अपनी नव विवाहित यानी कि शादीशुदा हुए नया साल था, तब उनकी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम मेरी नाम था, इसलिए इस गांव का नाम भी मेरीगंज रख दिया था। इस गांव का पुराना नाम किसी को मालूम नहीं, क्योंकि एक बार किसी किसान के मन में विचार आया कि इस गांव का नाम क्या होगा पहले, तो इसके मुंह से इसका पुराना नाम भी निकल जाने पर मार्टिन साहब ने उसे कोड़ों से पिटवाया था। तब ये किसी ने वह नाम लेने का साहस नहीं किया। तब से जब खेडूत ने नाम लिया तो ये किसान को मारा इतना कि कोई अब नाम लेने की साहस ही नहीं करता। मेरी के यहाँ आकर बसने के लिए एक सप्ताह के बाद ही उसे मलेरिया बुखार ने धर दबोचा था और इस इलाज की सुविधा के अभाव में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद मार्टिन साहब ने मेरीगंज में एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। अतः उन्होंने अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था कि एक वर्ष में वहां डिस्पेंसरी खुल जाएंगी, लेकिन इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कोयले से नील बनाने की विधि सफल हो गई और एक ही चुटकी में नील युग के अंत के साथ साथ नीलहे साहब मार्टिन भी उजड़ने लगे। इस दोहरे दुख से वह पागल हो गए। उन्होंने पागलखाने में भर्ती किया गया और वही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखते हैं। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। दो इन शब्दों के साथ मेरीगंज में मलेरिया सेंटर के खुलने की सूचना से उपन्यास का प्रारंभ होता है। यह सन 1946 ईस्वी सन का समय है। मेरीगंज के लोग इतने जाहिल हैं कि वे मलेरिया सेंटर के लिए जमीन को पैमाइश करने के लिए आए हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को मिलिट्री के लोग समझ बैठते हैं। उन्होंने सन 1942 ईस्वी सन के जन आंदोलन की कहानियां अफवाहों के रूप में सुनी थी। उन्होंने सुना था कि फौजी लोग गांव-गांव जाकर उत्पात मचाते हैं, जवान बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, पूरे गांव में आग लगा देते हैं और यह सब स्वराज्यों के कारण ही होता है। अब 4 बरस बाद उनके गांव की बारी आई तो उनके गांव में भी बलिया उर्फ बालदेव स्वराजी है। गांव को आफत से बचाने के लिए यादव टोली के लोग बालदेव को बांधकर मिलिट्री के पास ले जाते हैं। साथ ही उन्होंने यही भी सुना था कि स्वराज्यों को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की तरफ से इनाम मिलता है, 1,000, 2,000, 5,000, लेकिन वस्तुस्थिति जानकर ये पुरस्कार के आकांक्षी ये खिसिया कर रह जाते हैं और बालदेव से माफ़ी भी मांग लेते हैं। उपन्यास ने इस घटना द्वारा आरंभिक पायदान पर ही मेरीगंज की मानसिकता को स्पष्ट करते हुए प्रस्थापित कर दिया है। तो यहाँ गाँव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह जो फैल गई कि भाई
मार्टिन साहब की मृत्यु हो गई तो इस गांव में मेरीगंज में मलेरिया सेंटर के खुलने की सूचना भी उपन्यास का एक आरंभ होता है। इसके बाद मेरीगंज के लोग इतने जाहिल है, मेरीगंज के लोग इतने जाहिल है कि मलेरिया सेंटर के लिए ज़मीन में पेमाइश करने के लिए आए हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों को मिलिट्री के लोग समझ बैठते हैं और उन्होंने सुना था कि फौजी लोग गांव-गांव जाकर उत्पाद मचाते हैं, यानी जान जवान बेटियों को वो उठा ले जाते हैं और पूरे गांव में आग लगा देते हैं और यह सब स्वराज्यों के कारण ही होता है। तो अब चार बरस बाद उनके गांव की बारी आई तो उनके गांव में भी बलिया उर्फ बालदेव स्वराजी है जो गांव को आफत से बचाने के लिए यादव टोली को लगा देते हैं और वो यादव टोली बालदेव को बांधकर मिलिट्री के पास भी ले जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सुना था स्वराज्यों को जो पकड़ेगा उसको सरकार बहादुर मानकर उनको इनाम भी देंगे 1,000 या 2,000 या 5,000। लेकिन ये जानकर पुरस्कार के आकांक्षाई लोग खिसिया कर जाते हैं और बालदेव से माफ़ी भी मांग लेते हैं। उपन्यासकार ने इस घटना द्वारा आरंभिक पायदान पर भी मेरीगंज की मानसिकता को स्पष्ट करते हुए प्रस्तापित भी किया है। हाँ तो छात्रों और छात्राएं, आज हम मेला आंचल उपन्यास की जो संक्षिप्त कथानक है, कथा वस्तु है, भाग वन के बारे में अभ्यास किया है। कल हम भाग टू के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।